स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा और भाग के प्रगुण। ये आपका यूनिट 4 है और आपके ऑनलाइन एग्जाम में यूनिट 4 तक आएगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैथ्स में जो फंडामेंटल ऑपरेशंस, अभी मैंने बोला संक्रियाएं जिनको ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में जो ऑपरेशन वर्ड यूज होता है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन वर्ड यूज होता है, उसके उससे आप क्या समझते हैं, संक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? मैम, जो मैथ जो जो नंबर होता है, नंबर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेटर से जो हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं मैं संख्याओं का संक्रिया है। और ये ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? ये होता प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। वेरी गुड, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ नंबर्स के बारे में जिसमें पूर्ण संख्या भी था, तो पूर्ण संख्या एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। होल नंबर्स, जब भी हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें होल नंबर्स मिलते हैं। यानी कि जब आप प्राकृतिक संख्याएं के साथ हम शून्य को लेते हैं तब हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। नेक्स्ट है क्रमागत पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स। ओके, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे आने वाली संख्याएं उस संख्या के उत्तरवर्ती हो, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सीधे सीधे आप सिर्फ इतना समझिए कि क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट है आपका 171, 171 के बाद 172 आता है, फिर 173 आता है। तो ये लगातार क्रम से आई है संख्याएं और इनके बीच डिफरेंस, मैंने आपको डिफिनेशन में ये लिखा है, उस ठीक आगे आने वाली संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती हो। उत्तरवर्ती आप समझ रहे हो, सक्सेसर नंबर। यस मैम। हाँ, तो 172 जो है वो 171 का सक्सेसर नंबर है, 173 जो है वो 172 का सक्सेसर नंबर है। तो यही है कि उनका जो डिफरेंस हो वो सिर्फ 1 आना चाहिए। सेकंड एग्जांपल जो है आपका 2112, उसके बाद 2113 एंड 2114, ये भी आपकी क्रम से संख्याएं आई हैं और पूर्ण संख्याएं हैं इसलिए इन्हें क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। थर्ड आपका एग्जांपल है 87,655, 87,656, ये भी आपका क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। अगर आपसे कोई कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर्स पूछे या क्रमागत पूर्ण संख्याएं पूछे तो आप बता लेंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर योग, ठीक है, एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, स्क्रीन पर आप देखिए, जैसे कि हमको 3 + 4 = 7 होता है, अगर इसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना हो, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? 3 + 4 है यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे और 4 कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, 5 से 6 गए, 6 से 7 गए। तो जब 4 कदम आगे बढ़े 3 से, लेकिन राइट साइड बढ़ते हैं,
ठीक है, राइट साइड बढ़ते हैं क्योंकि प्लस है, प्लस में राइट साइड यानी कि दाहिनी साइड बढ़ते हैं, तो हमें 7 नंबर मिला। तो इस तरह हम लोग एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन इस तरह शो करते हैं। सेकेंड है आपका पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि अगर मुझे हमें 5 - 3 = 2 है, ये सब्ट्रैक्शन है, घटाना है, इसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, याद रखिएगा, जब हमें जोड़ सिखाना होता है तो हम उसी नंबर से जिसमें जोड़ना होता है उस नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 से स्टार्ट किया और 3 के दाहिने साइड बढ़ते हैं, पर सब्ट्रैक्शन में 5 - 3 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे बट 5 के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, घटाने में। ओके, और कितना घटाना है? 3 घटाना है तो 5 से 3 टाइम्स आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पे देख लोगे, -1 1 टाइम हुआ, फिर -1 2 टाइम है, फिर -1 3 टाइम है, तो लास्ट में जो आपका एरो है वो 2 पे जा रहा है। तो इस तरह हम 5 - 3 = 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है आपका पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसा कि आप देखिए, अगर 2 × 5 है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 का 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन है, तो दो दो नंबर लेके 5 बार आगे बढ़ेंगे। 0 से 2 एक बार आगे बढ़े, फिर 2 से 4 दूसरी बार आगे बढ़े, फिर 4 से 6 तीसरी बार आगे बढ़े, और 6 से 8 चौथी बार, और 8 से 10 पांचवी बार। ठीक है, तो लास्ट में हमें 10 मिला, तो ये हमारा 2 × 5 = 10, ये मल्टीप्लीकेशन जो है इसको इस तरह नंबर लाइन पे शो होगा। अब बात करते हैं जो मेन आपका टॉपिक है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, और ये कौन कौन से रूल जो होते हैं वो होल नंबर्स पे फॉलो होते हैं, उन कौन से रूल्स नहीं फॉलो होते हैं। तो संक्रियाएं आपकी 4 तरह की है, मेन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। सबसे पहले प्लस के बारे में बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। ठीक, फर्स्ट है योग का संवरक प्रगुण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो पूर्ण संख्याओं के लिए ये कहती है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। ओके, आप लोग में से कोई भी मुझे दो होल नंबर बताइए, दो पूर्ण संख्याएं बताइए। 10 10 ठीक है, ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो संवरक प्रगुण, चूंकि योग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एडिशन के बारे में पढ़ना है, इसलिए योग का संवरक प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है कि आपने 1 और 0 बताया, तो जब 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 1 क्या है, ऐड करने पर जो नंबर मिला 1, वो क्या है, होल नंबर है। तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यही कहता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें हमेशा पूर्ण संख्याएं ही मिलेंगी। समझ में आया आप सभी को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, कम्यूटेटिव लॉ हमने आपको लास्ट क्लास में रेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस किया था, उसमें कम्यूटेटिव लॉ आया था, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। सीधे सीधे याद करिएगा, क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उसमें क्रम बदल जाते हैं। ठीक है, योग का है तो उसमें बस ये होगा कि संख्याएं आपस में बदल जाएंगी। चलिए, आप मुझे दो होल नंबर और बताइए। 2, 3 2 और 3 ठीक है,
ओके, तो योग का जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो ये कहता है कि 2 और 3 को आप जब जोड़ेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा जो 3 और 2 को जोड़ने पर मिलेगा। हुआ क्या, 2+3 या 3+2, क्रम बस चेंज हो गया लेकिन आपको मिला क्या, एक ही आंसर मिलेगा, है ना। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण यही कहता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि 712 है, ठीक है, 712, अगर उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो हमें 712 ही मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए दूसरी आपका पूर्ण संख्या है 513, तो 513 में भी अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको 513 ही मिलेगा। तो यही आपका योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में आप जब भी 0 को ऐड करेंगे आपको हमेशा वही पूर्ण संख्या मिलेगी। और एक चीज और याद रखिएगा, 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए 0। ओके, नेक्स्ट है योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। जैसे आप स्क्रीन पे ये नंबर देख रहे हैं, हमने 20, 30 और 60 नंबर लिया। ओके, तो सबसे पहले हमने 20 और 30 को ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद उसमें 60 ऐड करेंगे। ठीक, या फिर पहले 30 और 60 को ऐड करें, उसको ऐड करने के बाद उसमें 20 ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में हमें एक ही आंसर मिलेगा, 110। ओके, किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। चलिए, तो आपका होता क्या, इसमें एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स लेते हैं, पहले 2 नंबर्स के बीच अगर प्लस का है तो प्लस उसको सॉल्व करेंगे, फिर 3rd नंबर उसमें ऐड करते हैं, या फिर दूसरे किसी नंबर को जोड़ ले और उसको जोड़ने के बाद पहला नंबर को उसमें जोड़े, दोनों ही परिस्थितियों में हमें एक ही उत्तर मिलेगा। यही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन योग का साहचर्य प्रगुण है। अब आपने अब तक पढ़ा पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण, अब आपको घटाने के बारे में पढ़ना है, पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। ओके, इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी घटाने का समरक प्रगुण। ठीक है, तो घटाने में यही समरक प्रगुण यही है कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। कैसे, आप 76 में से 32 माइनस करिए कितना आएगा बताइए जरा, 76 माइनस 32 कितना आएगा? 44 आपका पूर्ण संख्या है, होल नंबर है? यस यस मैम। ओके, अब आप मुझे 32 माइनस 76 कितना आएगा ये बताइए। नेगेटिव का 44 माइनस 44 माइनस माइनस 44 माइनस 44 होल नंबर है? नो नो मैम, नहीं नहीं है। तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ फॉलो होगा ही नहीं,
क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, उनके एक ही आंसर आना चाहिए, चाहे आप पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएं या दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएं। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसलिए जब घटाने की जो संक्रिया होती है, ऑपरेशन होते हैं, वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है सब? घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, कॉमिटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, अच्छा ये बताइए 18 माइनस 7 क्या आएगा? 11। 18 माइनस 7 आएगा 11 आएगा, प्लस 11 11, और 7 माइनस 18 नेगेटिव का 11 आएगा, नेगेटिव माइनस 11 माइनस, हाँ, तो कॉमिटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन में यही होता है कि क्रम बदलने पर उसका वैल्यू वही होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 18 माइनस 7 11 आया और 7 माइनस 18 माइनस 11 आया, तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 18 माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 18। क्रम बदलने पर एक ही आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो घटाने की भी संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो इसमें फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट है घटाने में शून्य की तत्समकता। ठीक है, अच्छा ये बताइए अगर हम 27 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, बट 0 में 27, ठीक है, 0 में से 27 माइनस करना पड़े तो हमें माइनस 27 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को घटाते हैं तो संख्या बदल जाती है। जब बदल जाती है तो ये जो होता है जीरो को घटाने के केस में हम तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कह सकते। आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है कि उसमें जब हम ऑपरेशन के साथ उसको जीरो को ले तो उसकी नंबर की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या में से जीरो माइनस करते हैं या जीरो में से पूर्ण संख्या माइनस करते हैं तो संख्या बदल रही है, इसलिए घटाने की जो संक्रिया होती है उसमें पूर्ण संख्याओं के लिए जीरो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है घटाने का साहचर्य प्रगुण। ठीक है, साहचर्य प्रगुण होता क्या है? एसोसिएटिव लॉ। इसमें हम थ्री नंबर्स लेते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो या मल्टीप्लीकेशन का हो या डिविजन का हो, एसोसिएटिव लॉ में यही होता है कि पहले दो संख्याओं के साथ ऑपरेशन करते हैं फिर तीसरी संख्या लेते हैं और उसकी वैल्यू वही आनी चाहिए जो दूसरी और तीसरी संख्या के साथ ऑपरेशन करने पर पहली संख्या के को फिर लेते हैं। तो लेकिन इसमें देखिए कि हमने एक ब्रैकेट में 18 माइनस 8 लिखा है माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस 2 लिखा है, तो 18 माइनस 8 को माइनस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। लेकिन 18 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 2 जो लिखा हुआ है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 12 मिल रहा है। ये दोनों ही बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो घटाने की संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नहीं है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। आपने जोड़ घटाना पढ़ लिया, अब है पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण। ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा भी है। पहली वही है गुणा का संवरक प्रगुण, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम गुणा के बारे में आप पढ़ेंगे इसलिए ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे 15 × 5 = 75 देख रहे हो, इसको भी आप छोड़ो, आप अपने मन से मुझे कोई भी दो होल नंबर बताइए। 0.5 0.5 0.5, ओके, तो 0.5, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चूंकि मल्टीप्लीकेशन के बारे में है, ठीक है, तो 0 × 5, ठीक है, आपका हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, तो यही
आपका क्या है, जो जीरो होगा वो भी आपका होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो होल नंबर लेंगे, जब उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। पूर्ण इसलिए इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो गुणा के संवरक नियम का पालन करती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लीकेशन के केस में जो होल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी दो पूर्ण संख्या जब हम लेंगे तो उनका गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आते हैं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, परम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्क्रीन पर जो नंबर है उसको छोड़कर आप कोई दो नंबर अपनी तरफ से बताइए, होल नंबर्स बताइए। सिक्स नाइन। ठीक है, तो क्रम विनिमय 6×9 करेंगे तो हमें 54 मिलेगा। ओके, और 9×6 करेंगे तो भी हमें 54 मिलेगा। यानी कि हम पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो दूसरी संख्या में पहली संख्या का गुणा करने पर मिलेगा। यानी कि क्रम बदले फिर तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा हमको एक ही नंबर मिलेगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है शून्य का गुणा का प्रगुण। शून्य का जो गुणा का प्रगुण है वो यही कहता है कि किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य ही होता है। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप देख रहे हो 4528 है, अगर हम इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। 768 है, इसमें भी जब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो यही आपका शून्य का गुणा का प्रगुण है कि आप किसी भी, क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम पूर्ण संख्या वर्ड ही यूज करेंगे, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणा करने पर आपको हमेशा शून्य ही मिलेगा। डी है गुणा का तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपका जैसे 978 है, उसमें जब आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 978 ही मिलेगा। 406 है, उसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 406 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको हमेशा वही संख्या मिलेगी। ठीक है, पूर्ण संख्या वही मिलेगी, तो इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है सबको? आ जाइए ई, ये है गुणन का साचर्य प्रगुण, गुणा का साचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी आप 3 नंबर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब है कि कोई भी 3 नंबर अगर हम लेते हैं तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा करने के बाद उसमें जब तीसरी संख्या का गुणा करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी जो दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करने के बाद पहली संख्या का गुणा करने पर मिलता है। ठीक है, ऐसे गुणा संक्रिया का योग पर वितरण नियम। योग पर वितरण नियम क्या है आपका? देखिए 9×8+4 है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, जब इस तरह का इक्वेशन होता है तो इसको सॉल्व करने का रूल यही है कि 9 का पहले 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर
नाइन का फोर में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर है? यही है गुणा का संक्रिया का योग पर वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, या लॉ बोलते हैं, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है गुणा का घटाने पर वितरण नियम, योग की तरह ही है बट इसमें आपका प्लस की जगह माइनस हो गया है, यानी कि 9 इंटू ब्रैकेट में 8 माइनस 4 है, तो इसका सॉल्व करने का, हल करने का नियम यही है, गुणा का घटाने पर वितरण नियम यही कहता है कि पहले 9 इंटू 8 करिए, फिर माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में 9 इंटू 4 करिए, यानी कि 9 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, फिर 9 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, और फिर 9 इंटू 8 करने पे जो आया है उस नंबर में से 9 इंटू 4 को सॉल्व करने पे जो नंबर मिलेगा उसको घटा दीजिए। अब आपका है पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण, ठीक है, फर्स्ट है आपका समवर्त प्रगुण, समवर्त प्रगुण यानी वे क्लोजर प्रॉपर्टी, आप जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 5, ठीक है, तो 5 में अगर आप 6 का डिवाइड करेंगे तो आपको 0.833 मिल रहा है, लेकिन जब आप 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको 0.833 नहीं मिलेगा, ठीक ठीक वैसे ही आप जब 12 में अगर 5 का डिवाइड करते हो तो आपको 2.4 मिलता है, बट अगर आप 5 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपको 2.4 नहीं मिलेगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं एग्जांपल से हर कंडीशन में जो प्रथम पूर्ण संख्या है उसमें दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए जो भाग की संक्रिया होती है वो संवरक नहीं है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होती है होल नंबर्स के लिए। ओके, बी है शून्य से पूर्ण संख्या में भाग, किसी भी पूर्ण संख्या में जब आप जीरो से भाग देंगे तो क्या आता है, वो परिभाषित नहीं है, ठीक है, एक तरीके से इनफाइनाइट कहते हैं बट ये आपका इससे भाग परिभाषित ही नहीं है, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन है। ओके, सी है पूर्ण संख्या में एक से भाग, किसी भी पूर्ण संख्या में आप जब एक से भाग देंगे तो आपको भागफल हमेशा वही संख्या मिलेगा, ठीक है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उसको छोड़ के आप अपने मन से कोई होल नंबर बताइए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को छोड़कर आप अपने मन से कोई और होल नंबर बताइए। थर्टी वन, ठीक है, तो 31 में जब आप 1 से डिवाइड करेंगे, ओके 56, 31 में जब आप 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आपको हमेशा 31 मिलेगा, ठीक है, और 56 में भी आप जब भी 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा 56 ही मिलेगा, यही आपका पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का जो नियम है कहता है कि आपको जब भी किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देंगे तो हमेशा आपको भागफल वही संख्या प्राप्त होगी। डी है शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग, शून्यतर, शून्यतर से आप क्या समझ रहे हैं, शून्यतर जो लिखा हुआ है यहाँ वर्ड उससे आप क्या समझ रहे हैं, नॉन जीरो, नॉन जीरो नंबर, शून्य से बड़ा, नॉन जीरो नंबर, हाँ शून्य, हाँ शून्य के अतिरिक्त, नॉन जीरो, ओके, शून्यता मतलब शून्य के अतिरिक्त, यानी जीरो को छोड़कर और नॉन जीरो, ठीक है, तो शून्य में किसी नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं रहेगा, जीरो को छोड़कर किसी और पूर्ण संख्या से भाग देने पर आपको क्या मिलता है, जैसे आप देख रहे होंगे, हाँ बोलिए, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है,
जीरो में किसी भी आप होल नंबर से भाग देंगे तो वो आपका जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो अपन जीरो ये नॉन डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन नहीं है। तो जीरो में जब आप किसी भी होल नंबर से भाग देंगे तो वो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। चाहे आप जीरो में 27 से भाग दीजिए तो भी आपको जीरो मिलेगा, जीरो में 36 से भाग देंगे तो भी आपको जीरो ही मिलेगा। ई है किसी शून्यतर पूर्ण संख्या में उसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग, ठीक है। ये आपका नियम यही कहता है कि जब हम किसी शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमको हमेशा एक ही मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल की हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, बट ये किस रूल के अंतर्गत आती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, ये सारी चीजें आपको जाननी है, इसलिए ये आपके सिलेबस में इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। तो ई है यही कहता है कि अगर 87 नंबर है और अगर 87 में हम 87 का भाग देंगे तो हमको ऑलवेज 1 मिलेगा। 277 है तो इसमें जब 277 से भाग देंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में इनवर्स में इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हाट मैम, यहां पे इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रही है इसलिए हेलो आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू है, चलिए कोई बात नहीं। आप सुन लीजिए कि किसी भी शून्यतर पूर्ण संख्या में जब किसी भी होल नंबर में दूसरे उसी होल नंबर से हम डिवीजन देते हैं, भाग देते हैं, तो हमको हमेशा 1 मिलता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको, क्योंकि आपका आज का टॉपिक यही कम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है किसी को? yes, कहीं भी कोई डाउट है? मैम क्लियर है, क्लियर है मैम, क्लियर। नाम है